नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। मुगल बादशाह शाहजहां के आदेश से अपनी पसंदीदा पत्नी की याद में आगरा में 1631 और 1648 के बीच सफेद संगमरमर का एक विशाल मकबरा बनाया गया, जिसे हम सब ताजमहल के नाम से जानते हैं। ताजमहल भारत में मुस्लिम कला का गहना है और दुनिया के सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित उत्कृष्ट कृतियों में से एक है। जहां बात की जाए ताजमहल की, तो ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में लगभग 17 हेक्टेयर में फैले विशाल मुगल उद्यान में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। ताजमहल की विशिष्टता शाहजहां के बागवानी योजनाकारों और वास्तुकारों द्वारा किए हुए कुछ उल्लेखनीय नवचारों में से निहित है। ऐसे में एक प्रतिभाशाली योजना है जो कि सटीक केंद्र के बजाय चतुर्भुज उद्यान में एक छोर पर मकबरा रखना, जिसने स्मारक से दूर के दृश्य में समृद्ध गहराई और परिपेक्ष जोड़ा है। यह भी उठे हुए मकबरे की किस्म में सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। चलो, ये तो बात हुई ताजमहल की, पर क्या आपको पता है कि बिहार में भी ताजमहल है? और अगर आपको नहीं पता तो चलिए हम आपको इसकी जानकारी देते हैं। बिहार के छपरा में बिल्कुल ताजमहल जैसी आकृति देखी गई है, जो बिल्कुल ताजमहल जैसी ही दिखती है। एक रिसर्च के मुताबिक यह सामने आया है कि करीबन 300 साल पुराना बताया गया है ये ताजमहल जैसा आकृति। रिकॉर्ड के अनुसार यह स्थान 1770 तक डच के नियंत्रण में था। यह स्थान यूरोपीय व्यापारियों के लिए आकर्षक का केंद्र रहा था। उस अवधि के दौरान डच गवर्नर जैक वॉन का कब्रिस्तान यहाँ बनाया गया था, जो आज भी खंडर के रूप में वहाँ मौजूद है। वहीं वहाँ रह रहे लोगों का कहना है कि केंद्र के रूप में विकास हो ताकि छपरा के लोगों को एक अच्छे घूमने लायक जगह के साथ इतिहास को समेटने का एक विरासत भी मिल जाए। छपरा शहर मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर कारिंगी गाँव में अवस्थित डच मकबरा अब जनशीश अवस्था में जा रहा है, जिसको देखते हुए वहां के डीएम दीपक आनंद द्वारा इस स्थान को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की प्रवक्ता की जा रही है, जो कि राज्य पर्यटन विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि दिसंबर 2015 में भेजे गए डीएम के प्रस्ताव पर विचार करते हुए इसे पूर्वोत्तर विभाग को जांच के लिए भेजा गया है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी वही तकनीकी अधिकारी हर्ष रंजन ने घटनास्थल का दौरा किया और पर्यटन विभाग को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। डीपीआरओ बीके शुक्ला ने भी कहा कि स्थल की विकास की जाएगी, अनुमति आने तक की देरी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि स्थान के विकास के लिए अनुमान लागत लगभग 1.6 करोड़ रुपए है। धन जारी होने के बाद ही नवीनीकरण का काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सरकार से ये भी रिक्वेस्ट किया है कि इस पे जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।